सो हेलो गाइस, आज हम करेंगे प्री रिक्विजिट टॉपिक्स, जो कि मतलब डेटा स्ट्रक्चर। हमको पढ़ने से पहले कुछ टॉपिक्स के बारे में पता होना चाहिए, या फिर हम बोलेंगे कुछ टॉपिक्स की थोड़ी डीप नॉलेज होनी चाहिए, जो कि हम किसी भी लैंग्वेज के अंदर सीखते हैं। तो इसके अंदर भी हम डेटा स्ट्रक्चर के अंदर भी कुछ बेसिक टॉपिक्स जो हमको थोड़ी सी पता होना चाहिए, तो वो मैं ये जो है थोड़े पार्ट्स में बनाऊंगा। तो ये हमारा पार्ट वन है, जिसके अंदर मैं कवर करूंगा पॉइंटर्स। ठीक है, पॉइंटर्स क्या होते हैं? हमारे पॉइंटर्स होते हैं एड्रेस स्टोरिंग वेरिएबल्स इन मेमोरी ब्लॉक्स। ठीक है, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में कवर करा था कि जब भी हम एक वेरिएबल बनाते हैं, तो एक्चुअली में होता क्या है कि जब भी हम एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, तो रैम में जाके एक मेमोरी ब्लॉक जो है वो रिजर्व हो जाता है हमारा उस वेरिएबल के नेम से, जिसके अंदर फिर जो डेटा आता है वो उस मेमोरी ब्लॉक के अंदर ही चला जाता है। ठीक है, तो पॉइंटर भी एक मेमोरी ब्लॉक ही होता है, जो कि उसी किसी भी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है। जैसे कि हमारे घर के एड्रेस होते हैं, जो हमको जो भी हमारे एड्रेस होते हैं जिसके हमको पता चलता है कि ये घर इसका है, वैसे ही रैम के अंदर या कंप्यूटर के अंदर भी जो हमारे मेमोरी ब्लॉक्स होते हैं, उनका अपना एक इंडिविजुअल एड्रेस होता है। ठीक है, जो जैसे कि हमारे जो वेरिएबल्स डिक्लेयर होते हैं, जो कि मेमोरी ब्लॉक रिजर्व्ड होता है, तो वो जो मेमोरी ब्लॉक रिजर्व्ड होता है, उस मेमोरी ब्लॉक का कुछ एड्रेस होता है। ठीक है, तो उन्हीं मेमोरी ब्लॉक्स के एड्रेस को स्टोर करने के लिए हम पॉइंटर्स का यूज़ करते हैं। पॉइंटर्स एक्चुअली में एक वेरिएबल ही होता है, जो कि फिक्स साइज होता है, जिसका 4 बाइट का, चाहे वो किसी भी तरीके का पॉइंटर हो, उसका जो साइज़ होता है वो 4 बाइट ही होता है, क्योंकि वो सिर्फ एड्रेस स्टोर करता है। और जो भी हम किसी भी तरीके का एड्रेस स्टोर करता है, तो हमेशा वो 4 बाइट ही लेता है। तो जब भी अगर हम एग्जांपल लें, यहाँ पे इंट ए इज इक्वल टू 5 हमने बोला, तो एक्चुअली में क्या होगा, एक मेमोरी ब्लॉक होगा। ठीक है, हमने इमेजिन कर लिया कि हमारा जो मेमोरी ब्लॉक ए को मिला है, उसका एड्रेस 1000 था। ठीक है, जो कि हम क्योंकि हमको पता है कि रैम के अंदर जो भी ब्लॉक्स होते हैं मेमोरी, उनका एक इंडिविजुअल एड्रेस होता है। ठीक है, तो हमने कहा कि चलो, हमने जो भी वेरिएबल हमने बनाया है, उसका जो मेमोरी ब्लॉक उसको जो असाइन हुआ है, उसका एड्रेस 1000 है। ठीक है, तो हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, उसको इनिशियलाइज भी कर दिया 5 से, और एक पॉइंटर वेरिएबल बनाया। अब एक पॉइंटर वेरिएबल जब हम बनाते हैं, तो नॉर्मल वेरिएबल को पॉइंटर वेरिएबल से डिफरेंशिएट करने के लिए हम एक ऑपरेटर या फिर हम एक सिंबल का यूज़ करते हैं, जो कि ये स्टार वाला सिंबल होता है। जो भी जब भी किसी वेरिएबल के नेम के आगे ये स्टार वाला सिंबल लग जाता है, तो वो हमारा एक पॉइंटर वेरिएबल बन जाता है। मतलब कि वो एक ऐसा वेरिएबल होगा जो किसी भी डेटा टाइप के एड्रेस को स्टोर करने के काबिल होगा। तो मैंने यहाँ पे पॉइंटर के अंदर एड्रेस ऑफ ए डलवा दिया। अब ये एड्रेस ऑफ ऑपरेटर क्या है? एड्रेस ऑफ ऑपरेटर मतलब कि ये जो ए नाम का वेरिएबल है, ये जहाँ जिस भी मेमोरी ब्लॉक, जो भी मेमोरी ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है, उसका एड्रेस जो है वो इस पॉइंटर वेरिएबल के अंदर वो असाइन कर देगा। ठीक है, तो एक्चुअली में ये स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि ए का एड्रेस जो है वो पॉइंटर के अंदर आ जाएगा। अल्टीमेटली रैम के अंदर क्या होगा, रैम के अंदर जो हमारा पॉइंटर नाम का वेरिएबल यहाँ पे बना था, अब उसके अंदर हमारा ए का एड्रेस आ जाएगा, और ए का एड्रेस हमने लेट किया था, जो हमारा 1000 था। तो अब इस पॉइंटर के अंदर 1000 आ जाएगा, जिसका मतलब ये है कि ये पॉइंटर अब इस ए को पॉइंट करने लगेगा। तो हम जो है, अब अगर हमको इसको इस वाले मेमोरी ब्लॉक को डायरेक्ट इस नाम से, मतलब वेरिएबल के नेम से एक्सेस नहीं करना, तो हम डायरेक्ट इस पॉइंटर के हेल्प से भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वो मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस आ गया जिससे हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। मतलब अगर पॉइंटर के अंदर इसका एड्रेस आ गया, तो अगर मेरे को ये ए को एक्सेस करना, तो मैं क्या करूँगा, ये हमारा एक एड्रेस ऑफ ऑपरेटर होता है, वैसे ही एक और ऑपरेटर होता है जिसको हम बोलते हैं वैल्यू एट ऑपरेटर। तो अगर मैं इसको बोलूँगा PTR, ठीक है, स्टार, ये हमारा होता है एस्टरिक्स ऑपरेटर, या फिर वैल्यू एट ऑपरेटर बोलते हैं इसको हम, वैल्यू एट ऑपरेटर। और ये वाला ऑपरेटर होता है हमारा एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। एड्रेस ऑफ मतलब कि ये हमको एड्रेस बताता है उस वेरिएबल का, और ये हमको बताता है कि इस वाले मेमोरी लोकेशन या फिर इस वाले एड्रेस पे वैल्यू क्या है। ठीक है, तो अगर मैं ये भी जो भी हमारा एस्ट्रिक PTR का मतलब क्या होगा कि इस वाले मेमोरी ब्लॉक पे कौन सी वैल्यू पड़ी है, वो ये रिटर्न करेगा। तो अभी PTR के अंदर हमारा 1000 पड़ा है, और वहाँ पे वैल्यू क्या पड़ी है, 5। मतलब ये अल्टीमेटली हमारा ए के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ए के अंदर भी हमने 5 ही असाइन किया था। ठीक है, तो पॉइंटर्स हमारा बेसिकली बस यही, हमको ये पता होना चाहिए कि वो एक मेमोरी ब्लॉक स्टोर कर, मेमोरी ब्लॉक होता है जिसके अंदर वो किसी और मेमोरी ब्लॉक का जो है वो नंबर या फिर एड्रेस स्टोर करता है किसी और वेरिएबल का। ठीक है, अब हमको और भी चीज़ें पॉइंटर के बारे में पता होनी चाहिए डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले। क्या सबसे ज़्यादा हमको पता जो होना चाहिए, वो ये कि एक पॉइंटर की स्पेशल प्रॉपर्टी क्या होती है। पॉइंटर की स्पेशल प्रॉपर्टी ये होती है कि वो ना सिर्फ उसी टाइप के डेटा को, मतलब उसी टाइप के डेटा का एड्रेस स्टोर कर सकता है जिस तरीके के डेटा टाइप से हमने उसको डिक्लेयर किया है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने बोला कि हमने एक इंट टाइप का पॉइंटर बनाया, इंट स्टार पी। अब ये इंट स्टार पी का मतलब क्या है,
पी का मतलब तो वेरिएबल का नाम हो गया जो पॉइंटर का है, और स्टार पी का मतलब कि ये जो पी नाम का वेरिएबल बनेगा वो एक पॉइंटर वेरिएबल होगा जो कि सिर्फ एड्रेस कंटेन करने के कैपेबल होगा। और ये जो इंट टाइप का जैसे हमने इसको हमने डिक्लेयर किया तो इसका मतलब ये बना कि जो हमारा पी नाम का पॉइंटर जो है ना उसके अंदर सिर्फ इंट टाइप का एड्रेस ही आ सकता है, जो कि मैंने यहाँ लिखा है विल कंटेन ओनली इंट एड्रेस। सिमिलरली अगर मैं कैर स्टार पी करूँगा तो कैर स्टार पी का मतलब क्या होगा कि वो ना सिर्फ हमारा कैर एड्रेस ही स्टोर कर पाएगा, अगर मैं उसके अंदर कोई इंट टाइप का ब्लॉक का एड्रेस डालना चाहूँगा तो वो नहीं डल पाएगा। सिमिलरली फ्लोट के अंदर भी ऐसा ही होता है, तो फ्लोट के अगर मैं फ्लोट स्टार पी करूँगा तो ये भी सिर्फ फ्लोट टाइप के एड्रेस को ही स्टोर कर पाएगा। तो ये पढ़ के हमको ये समझ आया कि जो जिस तरीके के डेटा टाइप भी हम पॉइंटर को डिक्लेयर करेंगे वो सिर्फ उसी टाइप के मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस ही अपने अंदर स्टोर कर सकता है। ये उस जो हमारी पॉइंटर होता है उसकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है जो कि आगे हमारी थोड़ी काम में बहुत आएगी, ठीक है। तो हमको पॉइंटर्स के कुछ टाइप्स पता होने चाहिए जैसे कि नल, वाइल्ड, वॉइड, डैगिंग। अब ये जो है ये चार तरीके के पॉइंटर्स हमारे होते क्या हैं। नल पॉइंटर क्या होता है, नल पॉइंटर पॉइंट्स टू नथिंग, मतलब नल पॉइंटर कुछ नहीं होता। जैसे कि यहाँ पे पीटीआर के अंदर हमने एड्रेस ऑफ ए डलवाया था, मतलब ये अब एक ऐसे मेमोरी ब्लॉक को पॉइंट कर रहा था जिसके अंदर कोई वैल्यू पड़ी थी। अब मैंने एक पॉइंटर यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये अभी किसी को पॉइंट ना करे, या फिर अगर इसका काम खत्म हो गया हमारा प्रोग्राम के अंदर और हमको इसको किसी को नहीं पॉइंट करवाना तो हम इसके अंदर नल डलवा देते हैं। नल कुछ नहीं होता कि मतलब हमारा पॉइंटर बन चुका है लेकिन वो किसी को पॉइंट नहीं कर रहा, अभी इसके अंदर किसी भी मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस नहीं है, ठीक है। तो जनरली नल जो है वो इंटरनली हमारा एज अ इंटीजर वैल्यू ट्रीट होता है, मतलब इसके अंदर जो हमारा जब भी हम किसी पॉइंटर के अंदर नल डलवाएंगे तो उसके अंदर जनरली सी लैंग्वेज के अंदर -1 ही चला जाता है जो कि एक इंटीजर वैल्यू होती है, ठीक है। और वाइल्ड पॉइंटर क्या होता है, जैसे कि वाइल्ड पॉइंटर क्या होता है, एक अनइनिशियलाइज्ड पॉइंटर होता है। अनइनिशियलाइज्ड पॉइंटर मतलब जो कि हमने यहाँ पे किया, हमने क्या किया एक पॉइंटर बनाया इन स्टार पी लेकिन हमने इसकी कोई इनिशियलाइजेशन नहीं करी, ठीक है। तो इस केस में ये वाला जो पॉइंटर होगा ना वो हमारा अनइनिशियलाइज्ड पॉइंटर की तरह बिहेव करेगा, अनइनिशियलाइज्ड पॉइंटर या फिर वाइल्ड पॉइंटर की तरह बिहेव करेगा कि मतलब अगर मैं यहाँ पे इसके अंदर कोई एड्रेस स्टोर ना करूँ और डायरेक्टली इस पॉइंटर को किसी ऑपरेशन के लिए यूज करूँ तो ये कुछ भी हमारा प्रोग्राम क्रैश कर सकता है या फिर कुछ भी, और हमको जो भी आउटपुट चाहिए वो उस हिसाब से आउटपुट नहीं शो करेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमको पता है कि सी के अंदर जब भी हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली कोई भी गार्बेज वैल्यू अपने आप स्टोर हो जाती है, ठीक है। तो जब वो वेरिएबल के केस में होती है तो सिमिलर हमारा पॉइंटर के केस में भी यही होता है कि कोई भी गार्बेज वैल्यू जो है वो ऑलरेडी हमारी उस पॉइंटर वेरिएबल के अंदर आ जाती है, मतलब ये किसी एक ऐसे मेमोरी ब्लॉक को पॉइंट करने लग जाता है जिसके बारे में ना हमको पता होता है ना कि कंपाइलर को पता होता है। तो जो भी हमारा जब ये बनता है तो ये किसी ऐसे मेमोरी ब्लॉक को पॉइंट करता है जिसके बारे में हमें नहीं पता, और हम उसको अगर यूज़ करते हैं तो बाय चांस हमारा वो किसी और ऐसे मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कर रहा हो जिसको जो कि इनवैलिड हो, तो ये हमारा प्रोग्राम टोटली क्रैश कर सकता है। तो हमको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि हमको अपने प्रोग्राम के अंदर कोई भी अनइनिशियलाइज्ड पॉइंटर या फिर वाइल्ड पॉइंटर का यूज़ ना ही करें, या फिर अगर करना भी है तो हम उसको मतलब इनिशियली हम उसको इनिशियलाइज कर दें नल पॉइंटर से ताकि वो बने और साथ ही साथ वो किसी को पॉइंट ना करे ताकि हम बाद में यूज़ भी कर पाएँ तो वो हमारे प्रोग्राम में दिक्कत ना करे। एक वॉइड पॉइंटर क्या होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे डिस्कस करा था कि जो भी पॉइंटर होता है वो जिस तरीके का हम उसको डिक्लेयर करते हैं वो उसी तरीके की वैल्यू जो है वो मतलब एड्रेस स्टोर कर पाता है, और कैर में भी है वैसे ही। तो अगर हमको बाई चांस कुछ ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसके अंदर हमको पॉइंटर्स यूज़ करना है लेकिन हमको ये श्योर नहीं है कि हमारा पॉइंटर्स पे काम कौन से डेटा टाइप के साथ होगा, मतलब अगर हमको थोड़े टाइम के लिए प्रोग्राम के अंदर इन डेटा टाइप के पॉइंटर के साथ काम करना और वही पॉइंटर अगर हमको एज अ कैरेक्टर या फिर एज अ डबल यूज़ करना है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हम void pointer यूज कर सकते हैं। void का मतलब होता है nothing, कुछ भी नहीं, मतलब एक जनरल पॉइंटर होता है वो जो कि ना किसी भी तरीके के डेटा टाइप के एड्रेस की वैल्यू स्टोर कर सकता है। जैसे कि इसके अंदर int star p का मतलब क्या था कि वो int टाइप के वैल्यू मतलब एड्रेस स्टोर कर सकता था। अगर मैं void star ptr करूंगा तो ये किसी भी टाइप के डेटा मतलब इसके अंदर int टाइप भी आ सकता है, फ्लोट टाइप का एड्रेस भी स्टोर कर सकता है ये, और कैरेक्टर टाइप के एड्रेस का स्टोर भी कर सकता है। बस हमको जो है इसके टाइप कास्टिंग करनी पड़ती है। अगर मैं int star ptr करूंगा यहाँ पे तो अब इसके अंदर सिर्फ int टाइप का डेटा आ सकता है। अगर सिमिलरली मैं कैर स्टार करूँगा कैर स्टार पी टी आर तो अब इसके अंदर कैर टाइप का जो डेटा का एड्रेस जो है वो स्टोर कर सकता है, ठीक है। तो ये टाइप कास्टिंग क्या होती है, टाइप कास्टिंग मतलब कि हम एक्सप्लिसिटली मतलब यूज़र ये पहले से तो हमारा वॉइड टाइप से डिवाइन है लेकिन मेरे को इसके अंदर इसकी कुछ प्रॉपर्टी चेंज करनी है, मतलब इसके अंदर मेरे को एक इन टाइप का डेटा डलवाना है, तो यूज़र ये यूज़र चाहता है तो यूज़र एक्सप्लिसिटली जो है इसका डेटा टाइप चेंज करता है या फिर टाइप कास्टिंग जिसे हम बोलते हैं
वो करता है इसके अंदर, जो कि हमारा पॉइंटर को अलग अलग वेरिएबल, अलग अलग डेटा टाइप जो है वो उसको पॉइंट करने के लिए एड्रेस स्टोर कर सकता है, ठीक है। और एक डैंगलिंग पॉइंटर क्या होता है, डैंगलिंग पॉइंटर हमारा वो पॉइंटर होता है जो कि एक इनवैलिड मेमोरी ब्लॉक को पॉइंट करता है। मतलब जब भी हमारा प्रोग्राम को मेमोरी मिलती है ना, तो वो दो हिस्सों में बटी होती है, एक हमारी फ्री मेमोरी होती है और एक हमारी जो होती है कंज्यूम मेमोरी होती है, ठीक है। जो भी हमारे प्रोग्राम को मेमोरी मिलती है वो सारा कंज्यूम मेमोरी का पोर्शन होता है और फ्री मेमोरी का अलग होता है, ठीक है। तो बाय चांस अगर हमने मतलब पॉइंट, जब भी हमने वेरिएबल, हमने कोई वेरिएबल बनाया उसका एड्रेस पॉइंटर में डलवा दिया और बाय चांस हमने वो पॉइंटर का स्कोप, वो जो हमारा वेरिएबल था वो हमने यूज़ कर लिया और उसके बाद उस वेरिएबल की मेमोरी हटा दी, तो उस केस में अब वो जो फ्री हुआ, मतलब जो भी हमारा वेरिएबल था ना, वो अब हमारा फ्री वाले ब्लॉक में चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसने पहले मेमोरी कंज्यूम कर रखी थी। जैसे ही हमने उसकी मेमोरी को रिलीज़ किया तो वो फ्री में चला गया, लेकिन ये पॉइंटर अभी भी उसी को पॉइंट कर रहा है जो कि अब फ्री है, जो कि ये हमारा, अगर हम किसी हमारे सी के अंदर जब भी हम किसी फ्री मेमोरी ब्लॉक को एक्सेस करना चाहें पॉइंटर की मदद से, तो वो हमारा इनवैलिड होता है, या फिर हम बोल रहे हैं कि इनवैलिड मेमोरी एक्सेस होता है। तो डैंगलिंग पॉइंटर जनरली वही होता है जो कि इनवैलिड मेमोरी को पॉइंट करता है, हम ऐसा बोले कि कुछ ऐसे मेमोरी ब्लॉक को पॉइंट करता है जो कि हम एक्सेस नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पॉइंटर्स के बारे में हमको पता होनी चाहिए थी, जो कि हमारा पार्ट वन का मेन टॉपिक था। और भी आगे हमको जो बाकी टॉपिक्स पता होने चाहिए, जैसे कि एरेज, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ये सारे भी हम आगे पार्ट्स में देखेंगे। ओके, तो आपको अच्छी लगी तो लाइक करना और शेयर करना, बाकी कुछ भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो।